अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे, हम केनाल हेडवर्क्स डिस्कस कर रहे थे। तो चूंकि इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया तो हमने दोबारा कनेक्ट करवाया। तो केनाल हेडवर्क्स हम डिस्कस कर रहे थे कि इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वर्क्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर एंड सप्लाई वाटर टू द अपटेकिंग केनाल इज कॉल्ड केनाल हेडवर्क्स। केनाल हेडवर्क क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर जब आप दरिया के अक्रॉस बना दे, वो पानी को क्या करे, अपटेकिंग केनाल तक सप्लाई करे, तो उस केनाल उस वर्क्स को क्या कहते हैं, केनाल हेडवर्क्स कहते हैं। अब इसकी देयर आर टू टाइप्स थे, डाइवर्जन हेडवर्क था और स्टोरेज हेडवर्क था। अब डाइवर्जन हेडवर्क में कौन कौन सी चीज़ें आ रहे थे, वेयर आर बैराज, वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। और इसकी थोड़ी बहुत फिर से डिस्कशन करेंगे कि डायवर्जन हेडवर्क में हमारे साथ वियर और बिराज आ रहे थे। वियर और बिराज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ पेरिनियल रिवर टू राइज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये क्या किया जाता है कि एक दरिया के अक्रॉस बनाया जाता है पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स दवामी, जिसमें सारा साल पानी बहे, ऐसे केनाल उसको कहा जाता है, ठीक है। राइज वाटर पानी को राइज करे और लेवल एंड डाइवर्ट, और पानी के लेवल में राइज कर दे और डाइवर्ट कर दे रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना आपको चाहिए, ठीक है। इसकी ये है डिफिनीशन। और स्टोरेज हेडवर्क क्या होता है? डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर वैली टू फॉर्म स्टोरेज रिजर्वायर डाइवर्ट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जिस तरह डैम होता है, डैम क्या करता है, पानी को स्टोर करता है कम्प्लीटली, और पानी को जब सैलाब आ जाता है तो वो पानी को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है डैम। जब आपको पानी की ज़रूरत जिस टाइम होती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो फिर ये पानी को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। जिस तरह क्वार तंदर डैम है, ये भी पानी को क्या करता है, स्टोर करता है, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज डैम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके साथ क्या है, डाइवर्जन हेडवर्क की कुछ पिक्चर है, वो आप देख ले, इस स्लाइड में है, मेंशन किए गए हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ हेडवर्क्स, डाइवर्जन हेडवर्क की पिक्चर ये है। तो डाइवर्जन हेडवर्क में कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ आ रहे थे, एक वियर आ रहा था और दूसरा बैराज। अब स्टोरेज हेडवर्क कौन से है, स्टोरेज हेडवर्क में कौन सा चीज़ आ रहा था, डैम, ठीक है। तो इसके बाद है पर्पस, हम इसको क्यों बनाते हैं, इसका क्या मकसद है, इसका कोई मकसद तो होगा ना, डैम का कोई मकसद होगा, हम क्यों बनाते हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम को, तो डैम का भी कोई फंक्शन होगा, इसी तरह वेयर का भी कोई फंक्शन होगा, बैराज का भी कोई फंक्शन होगा, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आ जाते हैं थोड़ा सा किस चीज़ के ऊपर, पर्पस, इसका मकसद क्या है। तो कैनाल हेडवर्क्स राइज वाटर लेवल इन द रिवर, दरिया में पानी को ऊपर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हेडवर्क्स करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मकसद इसका, एक 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 पॉइंट इसका ये हो गया, रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, पानी को रेगुलेट करना। व्हाट इज मीन बाय रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब कम और ज़्यादा। कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, एंट्री जो सिल्ट होते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं पानी में, ज़्यादातर आपने अक्सर देखा होगा जब आप पीने के पानी भी आप पीते हो तो उसमें सफ़ेद पाउडर होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिल्ट, उर्दू में इसको कहते हैं बल। ये सबसे लोएस्ट टाइप्स है सॉइल की, ये जब किनाल में आ जाए तो जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तंग हो जाता है, फिर उस नहर में पानी फ्लो नहीं करता है, आउट आ जाता है, तो ये नुकसानदेह है, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड सम स्टोरेज फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपने अगर पानी को स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हैं। रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, पानी की फ्लक्चुएशन को कम करना, फ्लक्चुएशन मीन्स कम और ज़्यादा, बाज़ औक़ात पानी तेज़ी हो जाता है, बाज़ औक़ात कम तेज़ हो जाता है, बाज़ औक़ात कम हो जाता है, तो उनको कम करना यानी लेवल को मेंटेन रखना, ये भी जो है ना किनाल का एक, किनाल हेडवर्क का एक टाइप मकसद है। इन दी लेवल ऑफ सप्लाई रिवर, जब ये पानी को क्या करता है, सप्लाई करता है। सो दीज आर ऑल दी पर्पजेज ऑफ किनाल हेडवर्क्स। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, आगे आपके साथ जो है वो है टाइप्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। तो टेम्पररी डाइवर्जन हेडवर्क, टेम्पररी मीन अर्जी, ठीक है। और तो कंसिस्ट ऑफ अ बंद कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू राइज द वाटर लेवल इन द रिवर एंड विल बी डैमेज बाय फ्लड्स। ये क्या करता है कि हम इसमें एक बंद बना देते हैं, ठीक है, पानी के अक्रॉस यानी दरिया के अक्रॉस, ये पानी को क्या कर देता है, राइज कर देता है, और जब सैलाब आ जाता है तो उनको भी कंट्रोल कर देता है। पेरिनियल डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है कि पेरिनियल जो होता है कंसिस्ट ऑफ पेरिनियल कंसिस्ट ऑफ सॉरी ये पेरिनियल ये परमानेंट है, परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क। टेम्पररी हमने पढ़ लिया, परमानेंट क्या है,
कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट स्ट्रक्चर सच इज वियर और बिराज. जो वियर और बिराज है ये हमारे साथ परमानेंट स्ट्रक्चर्स है. कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू राइज वाटर लेवल इन दी रिवर. इसका भी यही मकसद है कि पानी को, पानी के लेवल में इजाफा करना और पानी के लेवल को डाइवर्ट करना. तो ये एक परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क्स में आता है, मुस्तकिल जिसको कहा जाता है. लोकेशन ऑफ किनार हेडवर्क्स डिपेंड अपॉन द स्टेजेस ऑफ फ्लो रीचेस ऑफ रिवर. इसके स्टेजेस है, चार स्टेजेस है, रॉकी स्टेज है, बोल्डर स्टेज है, ट्रफ स्टेज और इलुएल स्टेज है और डेल्टा स्टेज है. सो बोथ रॉकी एंड डेल्टा स्टेज आर नॉट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क. जो रॉकी है और डेल्टा स्टेज ये सुटेबल कभी भी नहीं है डाइवर्जन हेडवर्क. अगर आप उस जगह में बनाना चाहते तो ये सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट रॉकी स्टेज एंड दिस स्टेज रिवर इज इन द हिल्स. इस स्टेज में जो रिवर होता है, दरिया जो होता है वो हिल्स में होती है. हिल्स मीन पहाड़ी में होती है. द बेड स्लोप एंड वेलोसिटी आर हाई. उस जगह में पानी की जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और स्लोप भी तेज़ होता है क्योंकि पहाड़ से पानी नीचे आता है. तो इट इज़ जनरली नॉट सुटेबल फॉर द लोकेशन. और ये सुटेबल नहीं है ये जगह. अगर उस जगह में आप बना दें तो पहाड़ों में किस तरह आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क. तो उस जगह पर आप नहीं बना सकते कोई भी डैम वेयर बिराज. एडवांटेजेस की क्या है, अ साउंड रॉकी फाउंडेशन इज यूजुअली अवेलेबल एट द साइड. वहाँ पे तो फाउंडेशन यूजुअली बेटर होता है. और ड्यू टू हाई वेलोसिटी, और पानी की वेलोसिटी भी तेज होती है, अफ्लो नो सिल्टिंग प्रॉब्लम, उसमें सिल्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होता है. और हाई हेड्स आर अवेलेबल, वहाँ पे हेड्स भी काफ़ी अवेलेबल होता है. यानी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे हेड्स भी काफ़ी अवेलेबल. डिसएडवांटेज इसकी क्या है, द लैंड इन द हिली एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. वहाँ की जो ज़मीन है यानी हिली एरिया है वो सुटेबल नहीं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए. तो द डिस्चार्ज इन द रिवर इज़ लो. इसका जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी लो होता है, लो बिकॉज ऑफ स्मॉल कैचमेंट. उसका एरिया जो होता है वो काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट बोल्डर स्टेज होता है. मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी सर आवाज़ जी ठीक है सही है. लेफ्ट नहीं होना है ठीक है, इस तरह आप जारी रहे. अच्छा इसके बाद क्या है, बोल्डर स्टेज है. बोल्डर स्टेज क्या होता है, हमने कौन सा पढ़ लिया अभी? हाँ भाई कौन सा पढ़ लिया, रॉक स्टेज पढ़ लिया ठीक है, भूलना नहीं है. दूसरा है बोल्डर स्टेज. इन दिस स्टेज द बेड एंड बैंक्स ऑफ द रिवर आर कंपोज्ड ऑफ बोल्डर्स और ग्रेवल. इस स्टेज में जो होता है वो क्या होता है, बोल्डर्स और ग्रेवल होते हैं. बोल्डर्स जो मोटे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े साइज की जो होते हैं ठीक है, और ग्रेवल जो छोटे साइज के होते हैं. तो इस स्टेज में ज़्यादातर बड़े पत्थर छोटे पत्थर, ये थोड़ा सा सिमी स्टेज होता है. पहाड़ों से थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो ये स्टेज आ जाता है. तो इसको एडवांटेजेस इसकी क्या है, लेंथ ऑफ वियर इज जनरली शॉर्टर एंड बोल्डर स्टेज. इसमें जो लेंथ होगा किस चीज़ की, डाइवर्जन हेडवर्क की, वो काफ़ी कम होगी. तो इसका एक गोल्डन पॉइंट है. कंस्ट्रक्शन मटीरियल सच स्टोन्स एग्रीगेट सैंड ग्रेवल आर लोकली अवेलेबल. वहाँ पे जो स्टोन होंगे एग्रीगेट होंगे ये वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी दूसरी जगह से हासिल करने की. तो इसके डिसएडवांटेजेस कौन से होंगे, नुकसान इसके कौन कौन से होंगे, सीपेज लॉसेज आर हाई. वहाँ पे पानी ज़्यादा जजब होगा ज़मीन में. तो डिमांड ऑफ इरीगेशन वाटर इज लो बिकॉज द लैंड इज नॉट फर्टाइल. वहाँ पे जो इरीगेशन डिमांड होगी वो काफ़ी कम होगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे जमीन, वहाँ की जो ज़मीन होगी वो काफ़ी फर्टाइल नहीं होगी. फर्टाइल मीन जरखेज़ नहीं होगी वहाँ के, क्योंकि पत्थरों में आप कैसे जो है ना किसी फसल को आप काश्त कर सकते हैं ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होगा. नेक्स्ट आपके साथ क्या है, ट्रफ आर एलुएल स्टेज. इन दिस स्टेज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर इज मेड ऑफ एलुएल सैंड एंड सिल्ट. द बेड स्लोप एंड वेलोसिटी आर स्मॉल. इस स्टेज में चूंकि हम काफ़ी नीचे आ जाते हैं ठीक है, पानी काफ़ी नीचे लेवल पर आ जाता है, तो इस स्टेज में स्लोप भी कम होता है, पानी की वेलोसिटी भी कम होती है, और इस स्टेज को हम ट्रफ एंड एलुएल स्टेज कहते हैं. इसके एडवांटेजेस कौन से है, डिमांड ऑफ इरिगेशन वाटर इज हाई. वहाँ पे चूंकि प्लेन ज़मीन आपको मिल जाता है तो इरिगेशन वाटर डिमांड काफ़ी हाई हो जाता है. सीपेज लॉसेज आर लेस हो जाता है किनाल में, और द वाटर कॉन्टेंट सिल्ट विच इज़ मैनुरल वैल्यूज हो जाती है उसकी, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है ठीक है. और डिसएडवांटेजेस की कौन कौन से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज यूजुअली नॉट अवेलेबल लोकली. वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं वो लोकली अवेलेबल नहीं होते. सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ हेडवर्क इज यूजुअली मोर ड्यू टू पुअर फाउंडेशन. वहाँ पे फाउंडेशन जो होता है काफ़ी पुअर होता है. प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट इन द किनाल. वहाँ पे सिल्ट की जो प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे सिल्ट ज़्यादा आएगा किनाल में, जिससे क्रॉस सेक्शन तंग हो जाएगा, पानी इधर उधर फ्लो करेगा.
वहाँ पे पानी ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। किसके अंदर? केनाल के अंदर। केनाल मीन चैनल, चैनल मीन नहर, नहर के अंदर ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट डेल्टा स्टेज आता है आपके साथ। डेल्टा स्टेज क्या होता है? डेल्टा स्टेज इसका लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। द रिवर पासिस ऑन टू द डेल्टा स्टेज एज टू अप्रोच द ओशन। ये अप्रोच करता है ओशन, समंदर तक डायरेक्टली अप्रोच कर देता है। कौन सा स्टेज? डेल्टा स्टेज। द बेड स्लोप एंड वेलासिटी आर रिड्यूस। उसकी जो बेड स्लोप होती है, आपको पता है कि वो प्लेन ज़मीन हो जाती है, वहाँ पे वेलासिटी कम हो जाती है, ठीक है, और साथ में स्लोप भी कम हो जाता है। सो सच दैट इट इज़ अनएबल टू कैरी इट्स सेडिमेंट लोड। तो ये अनएबल हो जाती है, ये सेडिमेंट लोड कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एट सॉरी अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, मैं इसको रेडी कर दूँ। अच्छा हो गया। इट ड्रॉप्स डाउन द सेडिमेंट्स एंड गेट्स डिवाइड इनटू चैनल ऑन आइदर साइड्स ऑफ द डिपॉजिट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसमें जो सेडिमेंट होते हैं वो ड्राफ्ट्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया कि ये सेडिमेंट को कैरी नहीं कर सकते। उसमें जो पानी में जो मवाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, जिससे सेक्शन तंग हो जाता है, वो फ्लो नहीं करते, क्योंकि इस जगह पे वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। तो नॉट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क बिकॉज द रिवर सेक्शन इज एक्सेसिवली वाइड। यहाँ पे जो पानी की जो वेथ होती है, बेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन अगर कर ले तो काफ़ी लंबी चौड़ी दीवार बन जाएगी, तो डैम के ऊपर या बैराज के ऊपर या वेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाएगा। तो वो गवर्नमेंट जो है ना उसको जो है ना यानी उसको संभाल नहीं सकेगा। तो इस स्टेज को भी क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। इस स्टेज में भी ये चीज़ें नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट आपके साथ क्या है? साइट सेलेक्शन फॉर डाइवर्जन हेडवर्क। अब ये कह रहा है कि ये स्टेजों में तो आप नहीं बना सकते, फिर कौन से स्टेज में आप बना सकते हैं? तो स्टेज वो ये कह रहा है कि कौन सा साइट ऐसा हो जिसको हम क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके, किस पर्पस के लिए? डाइवर्जन हेडवर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो नंबर वन, रिवर सेक्शन एट द साइट शुड बी नैरो एंड वेल डिफाइंड। जहाँ पे आप बनाना चाहते हो वहाँ पे नैरो हो, ताकि कंस्ट्रक्शन की खर्चा जो हो वो कम आए। वेल डिफाइंड हो, उसमें सारी चीज़ें हार्ड चट्टान हो, ठीक है, सख्त यानी ज़मीन हो और नैरो स्पेस हो, वहाँ पे लोकली सारे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, मजदूर इवन मटेरियल सब कुछ। शुड हैव लार्ज कमांड एरिया, उसका कमांड एरिया काफ़ी ज़्यादा हो। कमांड एरिया हम फट चुके हैं, व्हाट इज़ मीन बाय कमांड एरिया? CCA, GCA, ठीक है। साइड शुड बी सच दैट द रिवर आर बिराज कैन बी लाइंड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द रिवर। इसमें जो पानी की जो पानी जिस डायरेक्शन में जाता है उसकी राइट एंगल होनी चाहिए, नंबर वन, ठीक है, कि अगर राइट ना हो यानी राइट एंगल पे पानी ना जाए, स्क्यू जाए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो तिरछा बनेगा, जिससे पानी काफ़ी उसको हिट करेगा, तो वो डिसमेंटल भी हो सकता है, तो पानी उसको तोड़ भी सकता है। नंबर फोर्थ, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल एट द साइड। वहाँ पर फाउंडेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए और साइड शुड बी क्लियरली एक्सेसिबल बाई रोड और रेल। वहाँ तक जो रेल और रोड की अप्रोच होनी चाहिए और ऑल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमम, कम अज़ कम होनी चाहिए प्रोजेक्ट की जो कास्ट हो यानी उसके ऊपर जो खर्च आ रहा हो। कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ मीन बाय मार्जिनल बैंक मार्जिनल बैंक क्या होता है, गाइड बैंक क्या होता है, ठीक है, डिवाइड वाल क्या होता है, वेयर क्या होता है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन बहरहाल मैं दोबारा बताता हूँ। वेयर आर बिराज क्या होता है, डिवाइड वाल आर डिवाइड ग्रोन क्या होता है, फिश लीडर क्या होता है, पॉकेट आर अप्रोच चैनल क्या होता है, अंडर स्लूस आर स्कोरिंग स्लूसेस क्या होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, किनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क सच इज मार्जिनल बंद एंड गाइड बैंक। ये हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वेयर और बिराज के कॉम्पोनेंट्स है तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा सरसरी हम दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको यह ध्यान ही हो। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी सर, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वेयर और बिराज, ठीक है। ज़्यादातर लड़के जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर जी वेयर और बिराज में क्या फ़र्क है, तो
तो वेयर जो होता है एक वर्टिकल दीवार होती है जो पानी के अक्रास, दरिया में पानी के अक्रास बनाया जाता है, जिनका मकसद ये होता है, यानी जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि पानी को डाइवर्ट करना और पानी के लेवल में थोड़ा बहुत इजाफा करना। तो वेयर इज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है कंस्ट्रक्टेड अक्रास। अक्रास का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, जिस रास्ते से पानी आ रहा है उसके पैरेलल नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके क्या बनाया जाता है? अक्रास बनाया जाता है। तो एक अक्रास कंस्ट्रक्टेड रिवर टू राइज द वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर लेवल इनटू द कैनाल। ठीक है, तो इसका मेन मकसद दो मकासद इसके हो गए, राइज पानी को राइज करना और डाइवर्ट करना, किस चीज में? ऑफ टेकिंग कैनाल तक। तो वेयर ए लाइन अ राइट एंगल, राइट एंगल को राइट एंगल में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, अलाइन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में पानी आ रहा है उसके राइट एंगल में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। शटर्स आर प्रोवाइडेड एट द क्रेस्ट ऑफ द वियर सो दैट पार्ट ऑफ राइजिंग ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाई शटर। तो इसके ऊपर अगर आप गेट प्रोवाइड करें तो फिर उसको ये वियर से बिराज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वियर कौन कौन से हैं? मेसनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप्स है, रॉक फिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन है, कंक्रीट वियर विद डाउन स्ट्रीम ग्लासेस है। डिवाइड वाल क्या होता है? डिवाइड वाल तो आपको मैंने बताया था कि डिवाइड वाल क्या होता है। डिवाइड वाल एक वाल होता है, ठीक है, जो वियर या बिराज के साथ बनाया जाता है। ठीक है, जिनका मेन मकसद क्या होता है? जो सिल्ट होता है उनको कंट्रोल करना होता है। तो थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स इन द रिवर्स आर बिराज विथ स्टोन मेसनरी आर सीमेंट कंक्रीट। ये एक लॉन्ग वॉल होता है राइट एंगल, राइट एंगल किसके साथ? वियर के साथ बनाया जाता है, वियर या बिराज के साथ राइट एंगल पर बनाया जाता है। किस चीज़ से बनाया जाता है? स्टोन मेसनरी से बनाया जाता है या कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाता है। ऑन दी अपस्ट्रीम साइड, पानी की अपस्ट्रीम साइड तक यानी दरिया की तरफ, द वॉल इज एक्सटेंडेड जस्ट टू कवर द केनाल हेड रेगुलेटर। वियर की तरफ, वियर के अपस्ट्रीम साइड तक इसको बढ़ाया जाता है। इसका मेन मकसद क्या होता है? केनाल हेड रेगुलेटर्स को, ठीक है, जस्ट टू कवर द केनाल हेड रेगुलेटर्स। एंड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड भी इसको क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है अप टू द लॉन्चिंग एप्रन, जो पीछे एप्रन होता है पक्की जो कंक्रीटिंग होती है उस तक बढ़ाया जाता है। फंक्शन इसकी कौन कौन से, ये क्यों हम बनाते हैं? फंक्शन ऑफ द डिवाइड वॉल्स आर एज फॉलोस। हम क्यों इसको बनाते हैं? नंबर वन जो है, फॉर्म ऑफ सिल्ट वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ द केनाल हेड टू विच हेल्प्स इन सिल्ट सेटलिंग ऑफ सिल्ट। ये क्या करता है कि यह दीवार अगर हम बना दें तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिससे पानी का स्पीड काफ़ी कम हो जाता है। वो पानी की स्पीड की कम की होने की वजह से वो जो सेल्टिंग होते हैं, जो सस्पेंडेड रात में होते हैं, वो बैठने की कोशिश कर देता है, जिससे केनाल में सिल्ट एंट्री काफ़ी कम हो जाती है और केनाल सेक्शन काफ़ी जो है ना बच जाता है इन किस्म के मुजरे असरात से। तो इसका मेन पॉइंट एक ये हो गया, नंबर वन। नंबर टू क्या है? कंट्रोल द ईडी करंट। ईडी हमने पढ़े थे, ईडी क्या होता है? ईडी फोर्सेस होते हैं, करंट और क्रॉस करंट इन द फ्रंट ऑफ द केनाल हेडवर्स, इसको भी कंट्रोल करता है। प्रोवाइड द स्ट्रेट अप्रोच, ये स्ट्रेट अप्रोच भी देता है पानी को ऑन फ्रंट ऑफ द केनाल हेडवर्क, फ्रंट ऑफ द केनाल हेडवर्क की तरफ। इट रिजिस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट, और ये ओवरटर्निंग इफेक्ट को भी क्या करता है? रिजिस्ट करता है ऑन द वियर, वेयर और बिराज, बिराज कॉज बाय प्रेशर जो बनता है, प्रेशर ऑफ दी इम्पाउंडिंग वाटर। इम्पाउंडिंग वाटर का मतलब है जो पानी को अगर आप स्टोर कर दे तो इससे और टर्निंग इफेक्ट बनता है। तो ये दीवार का मकसद ये है कि अगर जिस तरह हम टिंकी में बपलवाल देते हैं तो उनका मेन मकसद क्या होता है? इनका मेन मकसद ये होता है कि पानी जो होता है, इतना ज़्यादा पानी अगर एक टिंकी में स्टोर कर दे तो वो ब्लास्ट हो सकता है, यानी तोड़ सक ख़त्म हो सकता है। तो उसमें अगर आप बपल वाल प्रोवाइड करते, चार बपल वाल जो प्रोवाइड किया, फिर नीचे सुराख किया जाता है ताकि पानी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में एंट्री कर दे। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि ये जो टिंकी है ये टूटने से बच जाए। तो इस तरह इसका भी एक मकसद ये है कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। सो दिस, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके साथ वेयर है, ये पानी इस तरह आ रहा है, ये वेयर है और ये डिवाइड वाल है। इसके साथ फिश लेडर भी बनाया जाता है। दूसरी फिश लेडर क्या होता है? फिश लेडर मछलियों के लिए बनाया जाता है। जो मछलियाँ दरिया से, जो डैम से बाहर चले जाए, ठीक है, तो उनके लिए फिश लेडर बनाया जाता है। उस इस जगह में स्पीड काफ़ी कम रखा जाता है, तो इससे फिर वो मछलियाँ फिर दोबारा क्या कर देते हैं? डैम में एंट्री कर देते हैं, जिससे मछली की जो नस्ल होती है, जो मछलियाँ होती है, वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, सो इसका फिश लेडर का मकसद ये है। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में, दोबारा मैंने आपको रिपीट कर दिया। इसके बाद है अंडर स्लूस। अंडर स्लूस क्या है? इसकी फंक्शंस क्या है? फंक्शन ऑफ अंडर स्लूस, तो मेंटेन अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिवर चैनल इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर।
फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, यूज टू स्कोर अवे टू द सेल डिपॉजिट इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर. दूसरा, तीसरा, दे पास लो फ्लड्स विदाउट ड्रॉपिंग इन द वियर क्रेस्ट शटर और दे कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इन टू द केनाल. अगला ये हो गया, और लास्ट जो है, दे प्रोवाइड ग्रेटर वाटरवे फॉर फ्लड्स दस लोअरिंग द फ्लड लेवल्स. नेक्स्ट आपके साथ सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सिल्ट एक्सक्लूडर. तो डिवाइस टू एक्सक्लूड सिल्ट फ्रॉम वाटर एंटरिंग द केनाल. ये क्या कर देता है, सिल्ट को क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो सिल्ट को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है केनाल में. और कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. द केनाल्स आर डिफरेंट लेंथ, सॉरी द टनल्स, उसकी जो टनल्स की जो लेंथ है वो डिफरेंस होती है, लेकिन पहले की कम होती है, फिर दूसरी की ज़्यादा, फिर तीसरी की ज़्यादा, फिर आखिरी सबसे ज़्यादा होता है. सो ये सिल्ट एक्सक्लूडर है. द लेंथ ऑफ द टनल्स ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये पहला कम होता है, फिर दूसरा ज़्यादा, फिर इस तरह तीसरा और ज़्यादा. तो ग्रेजुअली डिक्रीज इज द डिस्टेंस ऑफ द हेड रेगुलेटर, डिस्टेंस ऑफ हेड रेगुलेटर तक, ठीक है. केनाल हेडवर्क्स क्या होता है, तो केनाल हेडवर्क्स का मेन मकसद ये है कि पानी को कंट्रोल करना. एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है केनाल के शुरू में, स्टार्टर पॉइंट पे, ताकि ये पानी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, एवरीथिंग कंट्रोल कर सके. इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द केनाल, केनाल में जो पानी आ रहा है उसको कंट्रोल कर सके. इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंटरिंग द केनाल, रिवर फ्लड्स को कंट्रोल कर सके. इन द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द केनाल इज कंट्रोल, राइट. और सिल्ट गेट्स डिपॉजिट इन द पॉकेट एंड ओनली द क्लियर वाटर एंटर्स द रेक्टेंगुलर बेस. बेस मीन, व्हाट इज मीन बाय बेस, बेस मीन जिस रास्ते से पानी जाता है, वो छोटे से रास्ते जिसको हम डिवाइड कर देते हैं वो बेस कहलाते हैं. केनाल हेड रेगुलेटर्स क्या होता है, तो ये हम पढ़ लिया केनाल हेड रेगुलेटर्स क्या होता है. इसके बाद काजेज ऑफ फेलियर वेयर और बिराज ऑन परमेबल फाउंडेशन, परमेबल फाउंडेशन में कौन से काजेज आते हैं फेलियर वेयर और उसके बिराज के. तो सबसे फर्स्ट वन जो है, इसमें सब सरफेस आते हैं और सरफेस आते हैं. फेलियर ड्यू टू सब सरफेस कौन कौन से है वो मैं आपको बता दूँ. बाई पाइपिंग आर अंडर माइनिंग, इसमें क्या हो जाता है, या परकुलेशन वे देख ले, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ से अपस्ट्रीम साइड से जब पानी इंटर कर देता है तो इस तरह ये एक रास्ता बना देता है जिसको परकुलेशन लेंथ कहा जाता है, ठीक है. ये फ्लो करता है फिर बाहर चला जाता है, तो इस तरह इसमें जो मिट्टी की ज़रात होती है वो भी अपने साथ ले जाते हैं, जिससे ये प्रॉपर रास्ता बन जाता है. फिर ये डैम क्या हो जाता है और टर्निंग का शिकार हो जाता है. तो एक ये ख़तरनाक बात, इसको कहते हैं बाई पाइपिंग या अंडर माइनिंग कहते हैं. तो इसको आप कंट्रोल करना चाहिए, ये जो पाथ है इसको लंबा करना चाहिए, इसमें शीट फाइल लगानी चाहिए ताकि ये लंबा हो जाए, जिससे डैम महफूज हो जाए गिरने से. दूसरा है अंडर माइनिंग और पाइपिंग दीज, इसको ये कह रहा है, देखो ये अंडर माइनिंग पाइपिंग देखे, ठीक है, जो ड्रॉपलेस देखे पानी के. तीसरा है फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो बाई अपलिफ्टिंग प्रेशर, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये देखो इस रास्ते से जब ये परकुलेशन लेंथ से जब ये पानी फ्लो करेगा तो ये मटेरियल को तो अपने साथ ले जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, मटेरियल नहीं रहेगा, नीचे वो पानी रहेगा, तो पानी क्या करेगा, इस डैम को अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा. जब ऊपर की तरफ उठाएगा डैम क्या हो जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा. सो दिस पॉइंट इज आल्सो डेंजरस फॉर द डैम, तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए. नेक्स्ट आपके साथ बाय हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो फेलियर बाय सरफेस फ्लो से आता है. इस तरह पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे नीचे से ये थोड़ा सा थ्योरी रीड करते हैं. व्हेन द वाटर फ्लोज विद द वेरी हाई वेलोसिटी, जब पानी फ्लो करता है काफ़ी तेज विलास्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा विलास्टी के साथ, ओवर द क्रेस्ट ऑफ द वियर, क्रेस्ट ऑफ द वियर जहाँ से पानी टच होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है, ऑफ द वियर, देन हाइड्रोलिक जंप डिवेलप्स. जब पानी इस दीवार के सरफेस से टच होता है, नीचे गिरता है, तो ये इस जगह में हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है, बनता है. दिस हाइड्रोलिक जंप कास क्या करता है, सक्शन प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर बनता है इसकी वजह से. और ये क्यों खतरनाक होता है, ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ, विच एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, जो डायरेक्शन ऑफ अपलिफ्ट की प्रेशर की तरफ ये नेगेटिव प्रेशर बनता है. और ये खतरनाक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये डैम को नुकसान पहुंचा सकता है. इफ़ द थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर इज नॉट सफिशेंट, अगर ये जो हमने ये नीचे क्या किया है, एप्रन बनाया है, उसका अगर थिकनेस काफ़ी कम हो तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. देन द स्ट्रक्चर फेल्स बाय रप्चर, स्ट्रक्चर रप्चर हो सकता है, तोड़फोड़ का शिकार हो जाता है. तो ये ज़्यादा ये थिकनेस ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए और हाइड्रोलिक जंप को क्या करना चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए, या यानी एनर्जी डिसिपेटर लगाना चाहिए. बाय स्कवरिंग ड्यूरिंग फ्लड्स,
फ्लड जब आ जाता है, इसको भी फेलियर बाय सरफेस फ्लो कहते हैं। सैलाब जब आ जाता है तो क्या कर देता है, स्कोरिंग कर देता है अपने साथ, मिट्टी को क्या कर देता है, स्कोर कर देता है, जिससे वो पुश्ता जो होता है, मार्जिनल बैंक होता है, गाइड बैंक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट ये है। इसके बाद प्रिकॉशन अगेंस्ट फेलियर्स, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, जिसको हम अगर लागू कर दें, अगेंस्ट किसके खिलाफ, फेलियर के खिलाफ। तो नंबर वन, लेंथ शुड बी केयरफुली डिजाइन टू रिड्यूस द एग्जिट ग्रेडियंट। जो लेंथ हो किस चीज की, एप्रन हो या वेयर हो, ये क्लियरली हमने डिजाइन करना चाहिए ताकि एग्जिट ग्रेडियंट हमारे साथ कम हो जाए। नंबर दो, शीट पाइल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड एंड डाउनस्ट्रीम साइड टू रिड्यूस द अपलेट प्रेशर कंसिडरेबल। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि शीट फाइल प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। देखो नादिर शुएब साहब अभी आ रहे हैं, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया और नादिर शुएब साहब अभी आ रहे हैं, इसको अंदर आने दे दे या डिने एंट्री कर दे इसकी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो मंसूर एहसान, इसको अंदर आने दे दे या बाहर दे? द हूस क्लास था गुलाब गोल और आगे का ना, द गोरा। अच्छा चलो ठीक है, चलो दोबारा अगर रिक्वेस्ट भेजे तो फिर इंटर करेंगे। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये आपकी ये हो गया। अच्छा ये जब आप आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो लेक्चर सारा डिस्टर्ब हो जाता है, वो लेक्चर का जो सारा मज़ा होता है वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप एंट्री करते हैं बाहर जाते हैं, छोटे बच्चों जैसे आप बिहेव करते हैं। थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर शुड बी सफिशेंट टू कंसिडर काउंटरेबल दी अपलिफ्ट प्रेशर। तो थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर अगर सफिशेंट रखेंगे तो आप काउंटरेबल काउंटर बैलेंस कर सकते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को। और इन्वर्टेड फिल्टर शुड बी प्रोवाइडेड विथ कंक्रीट ब्लॉक्स ऑन द टॉप सो दैट द परकुलेटिंग वाटर डू नॉट वॉश आउट द सॉइल पार्टिकल्स। इन्वर्टेड फिल्टर अगर आप प्रोवाइड कर दें, नीचे इन्वर्टेड फिल्टर होता है, इन्वर्टेड फिल्टर किसको कहते हैं, ये नीचे अगर आप थोड़ा सा देख ले, ये इन्वर्टेड फिल्टर है, ठीक है, इसके नीचे से पानी क्या कर देता है, बाहर निकलता है। अगर ये प्रॉपर आप प्रोवाइड कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, पानी का पाथ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और पानी उसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है, जिससे जो आपके साथ क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एनर्जी डिसिपेटर अगर प्रोवाइड करें, एनर्जी डिसिपेटर थोड़ा सा नेक्स्ट पिक्चर में आपको बता दिखाता हूँ मैं कि एनर्जी डिसिपेटर क्या होता है। ये एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, ज़ाया कर देता है, ब्लॉक्स द एनर्जी डिसिपेटर कौन से फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन ब्लॉक होते हैं, इफेक्ट ब्लॉक होते हैं, ये एनर्जी डिसिपेटर होते हैं, ठीक है। शुड बी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करना चाहिए जिससे एनर्जी डिसिपेट हो जाए, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख ले, ये एनर्जी डिसिपेटर है, इसको एनर्जी डिसिपेटर ब्लॉक कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हाइड्रोलिक जम की वजह से आती है तो वो ख़त्म हो जाती है, जिससे स्ट्रक्चर महफूज होता है। ये था हमारे साथ लेक्चर। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट तो आप कर सकते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस कॉपी करता हूँ, ठीक है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ठीक है आज का जो लेक्चर था वो आपका ख़त्म हो गया, इसको मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, इसकी वीडियो की लिंक भी मैं भेज दूंगा, तो ये वीडियो भी आप देख ले, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।